वेलकम टू क्वांट स्टडी। इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिस पे 2 से 5 क्वेश्चंस तक बन सकते हैं। ये टॉपिक है इनइक्वालिटीज। इस वीडियो में हम इसका बिल्कुल बेसिक समझेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड कुछ पास्ट ईयर बैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम 2 न्यूमेरिकल क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं तो उनके बीच का रिलेशन डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू। और जब हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हमें पता है ए या तो बी से ग्रेटर दैन है या फिर इक्वल है, तो हम ग्रेटर दैन और इक्वल टू साइन को यूज करते हैं। वैसे ही लेस दैन और इक्वल टू साइन भी यूज होता है। तो मैं आपको इस और पे फोकस करने के लिए बोलूंगी, क्योंकि जब हमने देखा a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू b, इसको हम a ग्रेटर दैन b और a इक्वल टू b भी लिख सकते हैं। ये हमें हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस में, तो इसे याद जरूर रखिए। अब आगे जाने से पहले एक और कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। हमें a ग्रेटर दैन b तो पता ही है, बट इसी को एक और तरह लिख सकते हैं, जो कि है b लेस दैन a। तो यहाँ हमने क्या किया, जब हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a ग्रेटर देन b, तो उसको b की टर्म्स में देखना है। तो हम जब b को a से पहले लिखते हैं तो उनके बीच का जो साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन आ जाएगा। इसी तरह से हम a ग्रेटर देन इक्वल टू b को b लेस देन इक्वल टू a लिख सकते हैं, a लेस देन b को b ग्रेटर देन a, a लेस देन इक्वल टू b को b ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था, बट ये क्वेश्चंस में यूज होने वाला था, इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया। तो अभी तक हम 2 ही क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कंपेयर 3 क्वांटिटीज। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a और b का रिलेशन गिवन है, साथ ही b और c का रिलेशन गिवन है। यहाँ से हमें a और c के बीच का रिलेशन बताना है। इसको अप्रोच हम बेसिकली कैसे कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं a और b जो है वो इक्वल है, तो हम b की जगह पे a को लिख सकते हैं इस तरह। तो डायरेक्टली हमें अब यहाँ से दिख रहा है कि जो a है दैट इज ग्रेटर देन c। बट एग्जाम में हम हमेशा ऐसे रिप्लेस कर करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें बस ये चीज़ याद रखनी है, जब भी इस इक्वल टू के साथ कोई भी साइन हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, तो जो द गिवन साइन होगा वही आंसर में आ जाएगा। जैसे कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है a इज इक्वल टू b ग्रेटर देन c, तो इसमें डायरेक्टली a is greater than c आ जाएगा। सेकेंड वाले में a is less than c, फिर a is greater than equal to c, फिर a is less than equal to c। अब इन क्वेश्चंस में देखो कि जो साइन है वो सेम है, जैसे कि a greater than b greater than c, दोनों जगह पे greater than का ही साइन है, फिर सेकंड में greater than equal to का ही साइन है 2 बार, तो इसमें क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो साइन गिवन है हमें वही आ जाएगा, जैसे a greater than b greater than c, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास a और c का रिलेशन a इज ग्रेटर देन c, सेकेंड वाले में a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, फिर a is less than c, और लास्ट वाले के लिए a is less than equal to c। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आपने और समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो a, b और c है उसको हाइट्स की तरह कंसीडर करो। तो ये अगर हमारे पास b की हाइट है, कुछ यहाँ तक ये b की हाइट है, तो हमें गिवन है a is greater than b, तो a of course यहाँ तक सपोज अगर हमारा आ रहा है, तो हमें पता b is greater than c, तो c हमारा कुछ यहाँ तक सपोज आएगा इधर तक। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो a की जो हाइट है और c की, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है a is greater than c। अब ये क्वेश्चंस हैं जिसमें साइन सेम नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो फ्लो सेम है, डायरेक्शन सेम है सिंबल्स की।
तो अब a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन इक्वल टू c है, इसको हम कैसे समझेंगे? हम देखते हैं a ग्रेटर देन b तो एज इट इज लिख दिया, बट जो b और c का रिलेशन था वो और की तरह होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो b ग्रेटर देन c और b इज इक्वल टू c, तो अगर हम इसे कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, हम यहाँ से इसका रिलेशन कैसे देखेंगे, हमने a ग्रेटर देन b और इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा a ग्रेटर देन c, और जब हम इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो आंसर यहाँ से भी आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू को जब कंबाइन करते हैं, मैंने बताया था कि a ग्रेटर देन ही c आएगा, तो ऑब्वियसली हमारा जो फाइनल आंसर है इस एक्सप्रेशन का वो a ग्रेटर देन c ही होगा। आई होप ये क्लियर हो गया। उसी तरह से जो हमारा सेकंड वाला है, अब इसको इजीली कैसे समझना है, जब भी फ्लो सेम है और एक जगह पे ग्रेटर दैन इक्वल टू या लेस दैन इक्वल टू के साथ दूसरा वाला विदाउट इक्वल टू का है, तो हमें इक्वल टू ड्रॉप करके डायरेक्टली आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट वाले का इसी तरह से ए ग्रेटर दैन सी आ जाएगा, ये वाले में भी ए ग्रेटर दैन सी, और इन दोनों के लिए ए लेस दैन सी ए लेस दैन सी ही आएगा। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स देखे उन सब में फ्लो या जो डायरेक्शन है वो सेम रही, बट अब यहाँ पर जो सिंबल्स की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो गई है। तो इसको कैसे समझना है, इसको भी हम हाइट्स वाली एग्जाम्पल के साथ समझते हैं पहले, कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे, ये बी है, ए की हाइट जो है वो बी से ग्रेटर है, और जो सी की हाइट है वो भी बी से ग्रेटर है, तो ये हम बी का स्टैंडर्ड लाइन बनाते हैं, तो सी की जो हाइट है वो बी से ग्रेटर है, यानी वो इस लाइन से ऊपर ही होगी, तो सी की हाइट बट ए के कंपैरिजन में छोटी भी हो सकती है, ए के इक्वल भी हो सकती है और ए से बड़ी भी हो सकती है, ये सारी सी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें नहीं पता इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी ट्रू है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ए एंड सी कैनॉट बी डिटरमाइंड। इसी तरह इन सभी एग्जांपल्स में ए और सी का रिलेशन अगर हमने देखना है तो कैनॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन एग्जाम में अगर ये जो सी बी डी कैनॉट बी डिटरमाइंड का जो ऑप्शन है सीधे सीधे नहीं आता, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आपको एग्जाम में कुछ इस तरह के ऑप्शंस देंगे कि ए ग्रेटर देन सी लेस देन सी इक्वल टू सी। अब हमने हाइट्स वाली एग्जाम्पल से ये चीज़ समझी थी कि इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ऑप्शंस कुछ ऐसे भी हो सकते हैं हमारे पास एग्जाम में कि उन्होंने इज इक्वल टू को लेस देन के साथ या ग्रेटर देन के साथ कंबाइन कर दिया, और हम फिर इसमें ऑप्शन जो चूज करेंगे वो होगा ईदर और, तो हमें ये वाला चूज करना है। तो हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो होगा ईदर वन और टू। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, उसके पहले अगर आप चाहो तो जो जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो। इसके क्वेश्चंस स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉर्म में होते हैं, एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए पहले स्टेटमेंट्स में नहीं उलझना है, पहले कंक्लूजन देखो और उसके अकॉर्डिंग उसको माइंड में रखते हुए फिर स्टेटमेंट पे जाओ। जैसे यहाँ पर कंक्लूजन वन में ए और ई का रिलेशन बताना है, तो हम पहले क्या करेंगे ए और ई का रिलेशन ही ढूंढेंगे स्टेटमेंट्स में जाके, तो हमारा फोकस रहेगा स्टेटमेंट के इस पार्ट पे। बट जो मैंने रेड से लिखे हैं साइंस वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन के साइंस आ जाएंगे तो ए और ई जो है उनका जो रिलेशन है उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो हम नहीं डिफाइन कर सकते तो जो कंक्लूजन नंबर वन है वो तो ट्रू नहीं हो सकता। अब हम मूव करते हैं सेकंड पे, इसमें हमें बताना है सी और एफ का रिलेशन, सी और एफ के रिलेशन के लिए हम फोकस करेंगे स्टेटमेंट के इस पार्ट पे। तो यहाँ पर जो सिंबल्स की डायरेक्शन है वो सेम है, तो हम इसमें बहुत आराम से बता सकते हैं जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर लेस देन इक्वल टू में आएगा, और जब हम इस लेस देन इक्वल को ये वाले लेस देन के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, लेस देन। ये तो हमने पीछे किए थे ना एग्जांपल्स, तो हमारा जो कंक्लूजन है सेकंड वाला वो तो ट्रू हो गया, ये हो गया ट्रू।
तो अब हमें ऑप्शंस चूज करने हैं ए से ईव के बीच. तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू, तो इसको हम टिक कर देंगे. लेट्स मूव ऑन. इस क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें मल्टीपल दिए हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, पर उसमें नहीं उलझना है. पहले हमें देखना है कंक्लूजन. तो फर्स्ट वाले कंक्लूजन में हमें पी और एस का रिलेशन देखना है, तो वो हमें इस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट से मिलेगा. जब हम इस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जब आप देखोगे तो जो सिंबल्स का फ्लो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है. तो जब भी हम दो सेम साइंस को कंबाइन करते हैं तो वही साइन मिलता है, और इक्वल टू के साथ तो वैसे भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा. तो इसमें हमें सीधा पता चल रहा है कि एस इज लेस देन इक्वल टू पी. बट जो ऑप्शन पे अगर आप ध्यान दो वो तो पी के टर्म्स में है, तो इसीलिए मैंने जो पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो यहाँ पे यूज हो रहा है. हमें पी को पहले लाना है और जो इसका सिंबल है उसको भी रिवर्स करना है. तो हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ से हो जाएगा ट्रू. अब हम देखते हैं इसका सेकंड कंक्लूजन. सेकंड कंक्लूजन में आई और आर का रिलेशन बताना है. तो हम इस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे, ये जो आई से लेके आर तक का पार्ट है. तो यहाँ पे भी जो सिंबल्स का फ्लो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है. तो इसमें इज इक्वल टू तो आपको पता है, आई को आप इधर रिप्लेस कर सकते हो, जो कि एग्जाम में नहीं करना है बट मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ. तो जब आई है ग्रेटर देन इक्वल टू ई और ग्रेटर देन आर, अब तो यहाँ से आपको पता ही है क्या करना है. जब ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन होता है तो हमें यहाँ पे ग्रेटर देन ही आंसर में मिलेगा, आई इज ग्रेटर देन आर. जब हमें यहाँ से आई ग्रेटर देन आर मिल गया तो हमारा सेकंड वाला भी सही हो जाएगा, फर्स्ट भी हमारा सही आया था. तो इसमें हम जो ऑप्शन टिक करेंगे वो होगी बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू. अब इस क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं. ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ ही नहीं हुई. जो भी हमारे कंक्लूजन्स थे वो सारे के सारे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से निकल गए. इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले कंक्लूजन्स को माइंड में रख के फिर स्टेटमेंट्स को अप्रोच करना है, सीधे स्टेटमेंट्स में नहीं उलझना है. सो लेट्स मूव ऑन. इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स वही हैं बट कंक्लूजन्स थोड़े से चेंज हैं. सो लेट्स सी. यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमें देखना है एल और आर का रिलेशन, जो कि हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें से निकल जाएगा. तो इसको देखो, इसमें हमें इस पार्ट पे जब फोकस करना है यहाँ पे एल और आर का रिलेशन निकालना है, लेकिन ये जो हाइलाइटेड साइंस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो हम क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एल और आर का रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया. सेकेंड कंक्लूजन में हमें देखना है रिलेशन ई और क्यू का. तो ई तो स्टेटमेंट नंबर वन में है और क्यू है अलग स्टेटमेंट में. अब इनका रिलेशन किसके साथ बनेगा, क्यू एल के साथ ही कंबाइन है और ई का भी एल के साथ. बट अगर हम सिर्फ इतना पार्ट भी देखते हैं तो यहाँ पे ये जो ऑपोजिट साइंस है इससे हम ई और एल का रिलेशन भी नहीं बता पाएंगे. तो Q के साथ E का रिलेशन भी नहीं बता पाएंगे, तो आप सीधे लिख सकते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड. लेकिन अगर आप चाहो तो हम इसको कंबाइन करके भी ट्राई कर सकते हैं. इसको जब हमने कंबाइन करके लिख दिया, हमने Q को और L को इंटरचेंज किया, उनका साइन ऑपोजिट कर दिया और इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर कंबाइन किया, बट फिर भी E और Q का जो रिलेशन है वो इन ऑपोजिट साइंस की वजह से कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा. अगर इस क्वेश्चन में हमारे दोनों ही ऑप्शन ट्रू नहीं है तो हम ये वाला जो ऑप्शन है ना, नीदर कंक्लूजन वन इज ट्रू नॉर टू इज ट्रू, इसको टिक कर देंगे. तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और हर बार की तरह पहले हम कंक्लूजन देखेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो टी और डी का रिलेशन है. टी और डी का रिलेशन कैसे देखेंगे, टी तो हमारा इस स्टेटमेंट में है और डी तो दूसरी स्टेटमेंट में है. हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, जो उनके बीच का एक कॉमन लिंक होगा वो लिंक क्या है, ए. यहाँ पर डी का रिलेशन ए के साथ गिवन है और यहाँ पर टी का रिलेशन ए के साथ गिवन है. हमें सिर्फ इतना और इतना पार्ट चाहिए, बाकी पूरी स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इस तरह से लिख के देखें तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू
का साइन यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो अगर इसको हम इस तरह से लिख देते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखो सिंबल्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो डायरेक्टली डी इज लेस देन इक्वल टू टी हमें मिल सकता है। लेकिन ऑप्शंस में टी के टर्म्स में लिखा है, तो टी को अगर हमने पहले लिखना है तो साइन रिवर्स करके, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रू। तो अब कंक्लूजन नंबर टू देखते हैं, उसमें हमें देखना है आर और एस का रिलेशन। आर और एस का रिलेशन डायरेक्टली एक ही स्टेटमेंट में गिवन है, तो हम उस पर फोकस जब करेंगे तो हमें दिखता है कि यहाँ पे बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन के साइंस हैं। तो यहाँ पे हमें पता है क्या करना है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन के साइन है तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा ट्रू नहीं होगा, हमारा सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू था। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बी वाला, जहाँ पे लिखा है कि ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। अब इन्हीं स्टेटमेंट्स में कंक्लूजन्स चेंज कर दिए हैं, इस क्वेश्चन को नोट करके ज़रूर अपने एंड पे ट्राई करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है इनइक्वालिटी के वो डिस्कस किए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस घर पे करते रहिए, ताकि जब बेसिक पे आपका होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस लाएंगे और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।